the dying sun by sir james james it is a short story as well as a science fiction sir james james has claimed here In creation of the universe this is uh, just like an emergency there is no logic behind it all the claims are proved just as uh, fiction it has no scientific evidence the author couldn't prove it with the logic and science आइए देखते हैं कि सर जेम्स जीन्स क्या कहते हैं मुसनफ़ के नज़दीक इस कायनात का आगाज एक धमाके से हुआ वो कहते हैं कि हमारी कायनात बहुत ज़्यादा वसीय अरीज है इसके अंदर बहुत सारे स्यारे बहुत से सितारे सूरज और मिलियंस के हिसाब से गलेक्सीज हैं वाक़ इस तरह हुआ कि एक दफ़ा एक सितारा हरकत करते हुए सूरज के करीब आन पहुँचा वो सूरज के इतना करीब चला आया कि सूरज की सतह को अपनी तरफ खींचने लगा ड्यू टू हेज टाइडल फुल अपनी कुवत कशिश से जब सूरज के एक हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया तो उसकी सतह से कुछ टुकड़े तोड़कर अपने पास ले गया इस ज़बरदस्त कुवत कशिश की वजह से सूरज के जो टुकड़े टूटे वो नीचे गिरने की बजाय सूरज के इर्द गिर्द अपने मदारों के अंदर गर्दश करने लगे और यह गर्दश उस वक्त से लेकर अभी तक चलती आ रही है सर जेम्स जेम्स के नज़दीक ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद में आना एक हादसा है इसका आगाज़ एक माइक्रोब से हुआ एक जरसोमे से माइक्रोआर्गनज़म से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और ज़िंदगी चलते चलते अपने इर्तकई शक्लें तय करते हुए डायनमिक प्रोसेस के थ्रू वो एक स्मॉल माइक्रोआर्गनिज़म ज़िंदगी की मौजूदा शक्ल में हमारे सामने आया ये क्लेम्स अपने अंदर कोई लॉजिकल साइंटिफिक एविडेंस नहीं रखते जेम्स जीन्स के नजरिया के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे मिसाल के तौर पर एक सवाल ये है जब सितारे ने सूरज को अपनी तरफ खींचा उसकी सतह से कुछ टुकड़े तोड़ लिए वो टुकड़े ना तो नीचे गिरे ना उस सारे ने उनको अपनी आगोश में लिया अपने अंदर ना तो जज्ब किया ना नीचे गिरने दिया तो ये बात समझ में नहीं आती और मुसनफ़ के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है ये जस्ट एक फिक्शन है इट वांट्स साइंटिफिक एविडेंस इट वांट्स फिक टेस्ट मनी टू तो बी प्रूवड जबकि हम मुसलमान हैं और हमारा नुक़ नज़र ये है कि इस कायन को अल्लाह ने बनाया और ये ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी भी खुदा ने पैदा की एक वक्त आएगा कि जब ये दुनिया ये कायनात अपनी मदद पूरी कर लेगी उसके बाद क़यामत का एक बड़ा हादसा होगा और सारी दुनिया सारे ज़िंदा इंसान और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फिर क़यामत के दिन इंसान अपने रब के सामने पेश होंगे इस शॉर्ट स्टोरी के पस मंज़र और इसकी समरी को देखने के बाद आइए अब इसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं एक वर्ड है पैक पैक मींस बंडल बॉक्स पार्सल पैकेट ज आर सिनेम्स ऑफ दर्ल्ड फैक् सेकेंड है स्पेयर इसके सिनेम्स हैं एक्स्ट्रा एडिशनल नॉट नीडेड नंबर थ्री रेर इसके सिनेम्स हैं सेल्डम नाट ऑफन अनयूजल रेडिएशन टू एमिटरेस एमिशन एक्सक्रेशन ऑर्गेनिजम लिविंग बॉडी

हाउ इज़ इट अट्ट सेल्डम फाइंड अनदर स्टार नियर इट एक सितारा दूसरे सितारे के करीब क्यों नहीं आता इसका आंसर है द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट इन इन न्यूमरेबल स्टार्स वॉन्डर अबाउट एन स्पेस दे ट्रेवल इन कम्प्लीट लोनलिनेस द डिस्टेंस इज बिटवीन दैम आर वेरी ग्रेट देर फॉर

It raised a big wave of gases on the surface of the sun. The nearer the star came, the higher the wave rose. As the star began to recede, the wave broke it into pieces. These pieces fell off the sun. They began to move round the sun. They came to be known as planets. Our Earth is one of them. Question number five Why is there no life on the stars? Life can exist neither in extreme cold nor in extreme heat. The stars are the big burning balls of the fire, therefore, they are very hot. Life would melt away there. Therefore, there is no life on the stars. Question number six: Write a note on the beginning of life on the earth. Zameen par zindagi ke vajood me aane par note Iska answer hai: No one knows how and why life came into existence. Sir James Jean says that somehow a simple living organism came into existence. Then it developed into the certain form. Finally, it changed into human beings. In this way, life began on Earth. Question number seven Why is the universe of which our Earth is a part so frightening? कायनात इतनी खौफनाक क्यों है द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग टू अस बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेज एंड लॉन्ग स्ट्रैच वी फील लोनली ऑन आवर लिटल अर्थ बिकॉज देर इज नो साइंस ऑफ लाइफ एविडेंस इन द यूनिवर्स क्वेश्चन नंबर एट वट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ We know to exist on other heavenly bodies. Iska answer dekhiye? Certain suitable conditions are necessary for the life to exist. Moderate temperature is the most important. Then air, water are also necessary for life. Such conditions cannot be fulfilled on other stars except. अर्थ दैट्स वट लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट ऑन अदर स्टार्स क्वेश्चन और आंसर्स के साथ पेपर में एक क्वेश्चन आता है सिनानम्स का कुछ सिनानम्स हम पहले कर चुके हैं इसके साथ चैप्टर के एंड पे सिनानम्स की कुछ एक्सरसाइजेज हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के असूल पर एक लाइन के अगेंस्ट चार चार ऑप्शन हैं उनको आप पढ़ेंगे और दुरुस्त ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल स्टार्स आर इमेंस बॉल्स ऑफ फायर ये एक स्टेटमेंट है इसके अगेंस्ट फोर ऑप्शन हैं टनी ह्यूज वेरियस सिमिलर इन चार ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन है ह्यूज अंडरलाइन वर्ड को देखेंगे अंडरलाइन वर्ड है इमेंस इमेंस के अगेंस्ट उसका सिनेम ह्यूज नंबर टू

अंडरलाइन वर्ड है सेल्डम तो सेल्डम के अगेंस्ट इसका सिरनम हुआ समटाइम्स। नंबर फाइव स्टेटमेंट के अंदर अंडरलाइन वर्ड है टाइडल तो टाइडल का सिरनम हुआ ऑफ वेव थैंक यू अल्लाह हाफिज।